हेलो बच्चों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम्स अड्डा में। बच्चों आज शनिवार है और बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि रिजल्ट आ जाएगा। कुछ लोग कह रहे हैं शनिवार रविवार को रिजल्ट नहीं आता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। CBSE है, रिजल्ट आपका कभी भी दे सकती है, आज भी दे सकती है, सोमवार को भी दे सकती है, और अगर चाहेगी भाई तो संडे को भी दे सकती है। ऐसा कौन सा है कि उसमें स्कूल खोल करके बैठना है या लोगों को बुलाना है, रिजल्ट है, जारी हो सकता है। तो आप तैयार रहिए, जब भी रिजल्ट आएगा देख लीजिएगा। हमारी शुभकामनाएं हैं और तुम्हारे नंबर अच्छे आएंगे, बोनस मार्क्स ठीक ठाक मिले हैं। क्योंकि इस बार यार पता नहीं क्यों ऐसा हुआ था कि CBSE के कई सारे पेपर्स में बहुत सारी गलतियां थी। अब या तो जल्दीबाजी में पेपर तैयार किया गया या पता नहीं कौन सी हड़बड़ी थी, कहीं क्वेश्चन गायब था, कहीं क्वेश्चन गलत था, कहीं ऑप्शन नहीं था, कहीं ऑप्शन रिपीटेड था, कहीं पे पूरा पैराग्राफ ही हटा दिया गया है। तो इसमें आपको सभी लोगों को जनरल मार्किंग हुई है और जिन्होंने अटेम्प्ट किया नहीं किया सबको नंबर उसमें ठीक ठाक मिले हैं। और ये यार तुम लोगों के जमाने में हुआ, हम लोगों के टाइम में तो हम लोग सोचते थे एक क्वेश्चन गलती से भी गलत नहीं होता था। खैर जो हो गया हो गया, कोई बात नहीं है। टर्म टू एग्ज़ाम की तुम्हें तैयारी करनी है। टर्म टू एग्ज़ाम डेट आ जाएगा, मैं कल बता चुका हूँ आपको वीडियो में। अभी दो बातें मैं और बता दूँ आप लोगों को कि बहुत सारे बच्चे जो CBSE के प्राइवेट इंप्रूवमेंट और कंपार्टमेंट एग्जाम का फॉर्म नहीं भर पाए थे, उनका दबाव अच्छा खासा था और CBSE इस बात पर विचार कर रही थी, सूचना मिली थी। लेकिन बच्चों आप लोग एक बार फिर से कोशिश करो, मैसेज वगैरह करो, उनको ईमेल करो ताकि आपके फॉर्म्स जल्दी से ओपन हो जाएं। आप फॉर्म नहीं भर पाए हो तो भी भर लो। जिन बच्चों का फॉर्म गलत हो गया है, कोई प्रॉब्लम हो गई है, वो लोग भी अपना अपना करेक्ट कर ले। अब रही बात टर्म टू एग्जाम की, तो आपने देखा ही होगा अपना पैटर्न वगैरह, आपने सब कुछ चेक कर लिया होगा। अभी इस बात पे चर्चा हो रही है कि जो आप लोगों के सेंटर रहेंगे, जो रेगुलर बच्चे हैं, उनका सेंटर होम एग्जाम सेंटर बनाया जाए या उनके सेंटर भेजे जाएं दूसरे स्कूलों में। तो बच्चों अगर थोड़ा सा अर्लियर एग्जाम शुरू हुआ, जल्दी एग्जाम शुरू हुआ, तो आप लोगों के सेंटर संभवतः आपके स्कूल ही बनेंगे। हालांकि इसके बारे में अभी सेंटर अरेंजमेंट के बारे में कोई लेटर नहीं आया है कि सेंटर बनेगा कहाँ पे। ये लेटर आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। सेंटर अरेंजमेंट का की बात मैं बताऊं, ये हर स्कूल से डेटा मांगी जाती है कि आपके स्कूल में कितनी सीटें हैं, आपके स्कूल से कौन कौन स्कूल कितना दूर है, मतलब आपके अगल बगल के जितने भी CBSE स्कूल्स हैं वो कितनी दूरी पर स्थित हैं, उनसे आपके यहाँ क्या रोड का कनेक्शन कैसा है, ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध है कि नहीं है, ये सारी सूचनाएं स्कूल से मांगी जाती हैं। फिर आपके यहाँ कितने कमरे हैं, कमरों की मतलब कितने बच्चे हैं, बैठने की व्यवस्था कैसी, ये सारी चीज़ें मांगी जाती हैं, उसके बाद में सेंटर डिसाइड होता है। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है अभी तक, होगा तभी कन्फर्म होगा कि भाई हमारे स्कूल में दूसरे स्कूल का सेंटर आएगा या हमारे स्कूल के बच्चे हमारे ही स्कूल में बैठ करके परीक्षा देंगे। संभावना ये जताई जा रही कि चूंकि कोरोना काल चल रहा है, कोविड चल रहा है, इसलिए जैसे पिछले साल ये अलाउ हुआ था कि अपने बच्चे अपने स्कूल में ही परीक्षा देंगे। अकेडमी प्रोडजी द बिगेस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट 23 जनवरी को ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है फॉर क्लास 7 to 12 IIT JEE नीट UG स्टूडेंट्स के लिए। ये एक घंटे का फ्री मॉक टेस्ट 29 जनवरी तथा 6 और 13 फरवरी को भी कंडक्ट होगा। इसमें सभी पार्टिसिपेंट्स को मौका मिलेगा स्कॉलरशिप और मैकबुक, आईफोन, अमेजॉन इको जैसे एक्साइटिंग रिवार्ड्स जीतने का। साथ ही आप एजुकेशन फॉर लाइफ भी जीत सकते हैं, जिसमें आपको 20 लाख तक का कॉलेज ग्रांट मिलेगा आपके ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। एजुकेशन फॉर लाइफ 29 और 13 को होने वाले टेस्ट पर ही वैलिड होगा। डिटेल्ड स्कोर कार्ड एंड वीडियो सॉल्यूशन एनालिसिस भी अवेलेबल होगा आफ्टर द टेस्ट। इससे आप अपनी रैंक और अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। 30 मिनट का प्रैक्टिस टेस्ट ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। साथ ही अनअकैडमी लाया है लिमिटेड पीरियड ऑफर, 12 मंथ्स और अबव के प्लस सब्सक्रिप्शन लेने पर आपको मिलेगा 3 मंथ का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री। इसी तरह 12 मंथ्स और अबव के आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेने पर आपको मिलेगा 6 मंथ का क्रिएटिव कॉर्नर सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री। डिस्क्रिप्शन में सभी लिंक दिए हुए हैं, मेरा कोड GEA यूज करके एनरोल करें फ्री में। इतना ही नहीं, इस कोड से आप कोई भी सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं 10% ऑफ पर। सो लर्नर्स अनअकैडमी के साथ लेट्स क्रैक इट। तो हो सकता है कि अलाउ हो जाए, तो खैर ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है कि आप अपने स्कूल में परीक्षा दे रहे हो या दूसरे स्कूल में दे रहे हो। लेकिन जो प्राइवेट इंप्रूवमेंट और कंपार्टमेंट एग्जाम के बच्चे हैं उनके लिए एक प्रॉब्लम है। हालांकि इन्होंने भी अपनी अपनी एग्जाम सिटी चुन रखी है कि हमें किस जगह पे एग्जाम देना है, लेकिन यार जब इन्होंने एग्जाम सिटी चुना था उस टाइम पर वहाँ उस एग्जाम सिटी में कंडीशंस दूसरी थी, अब कंडीशंस बदल गई हैं। कई कई सिटीज़ में तो कोरोना के केसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो बच्चों में भी डर है। बच्चे चाह रहे थे कि हम सर हमने जब चुना, बच्चे कह रहे थे कि सर जब हमने फॉर्म भरा वहाँ सब कुछ नॉर्मल था, अब सबसे ज़्यादा केसेस वहीं पर निकल रही हैं, तो ये असुरक्षित तो नहीं रहेगा। तो भाई असुरक्षित तो है ही। कई सारे बच्चे ये मैसेज कर रहे हैं हमें पिछले कई दिनों से कि सर अगर एग्ज़ाम कैंसिल हो गया तो प्राइवेट इंप्रूवमेंट और कंपार्टमेंट एग्ज़ाम के बच्चों का क्या होगा।
बच्चों वैसे एग्जाम कैंसिल होने की संभावना बिल्कुल 0% है, क्योंकि तैयारी शुरू हो चुकी है, सीबीएसई ने पूरी कमर कस ली है। तो एग्जाम तो कैंसिल होने से रहा, आप लोग डरो मत, क्योंकि आपका डर मुझे समझ में आ रहा है। आप ये डर रहे हो कि अगर भाई एग्जाम कैंसिल हो गया तो जो रेगुलर बच्चे हैं उनका तो टर्म वन के आधार पर रिजल्ट बन जाएगा, सीबीएसई पहले ही कह चुकी है। जो प्राइवेट इंप्रूवमेंट कंपार्टमेंट एडिशनल सब्जेक्ट या पत्राचार वाले बच्चे हैं इनका क्या होगा भाई, इन्होंने तो टर्म वन की परीक्षा ही नहीं दी है, तो इन बच्चों का रिजल्ट कैसे बना, कैसे बनेगा? और या तो फिर यही होगा कि ये बच्चे फिर से एक साल इंतजार करेंगे, पिछले साल भी यही हुआ था, रेगुलर बच्चों का रिजल्ट स्कूल वालों ने बना दिया, प्राइवेट वालों को परीक्षा देनी पड़ी, बहुत सारे बच्चे धोखे में फेल हो गए क्योंकि पढ़े ही नहीं थे। तो आपकी बात मैं समझ रहा हूँ, आपकी बात बिल्कुल जायज है, और मैंने एक महीने पहले वीडियोस बनाई थी, उसमें आपसे कहा था कि बच्चों आप लोगों का एग्ज़ाम अगर सबका कैंसिल होता तो आपका भी कैंसिल होगा, लेकिन आप लोगों को सीबीएसई से डिमांड रखनी चाहिए, यूनिटी बना करके डिमांड रखनी चाहिए कि अगर आप एग्ज़ाम कैंसिल करना चाहते हो तो कैंसिल करो, लेकिन इस बात को ऑप्शनल रखो कि वे बच्चे जो एग्जाम देना चाहते हैं टर्म टू का वो दे दें, जो नहीं देना चाहते हैं वो ना दें, जो नहीं देना चाहते हम सिर्फ उनके लिए कैंसिल कर रहे हैं, और जो एग्जाम नहीं देंगे टर्म टू का उनका हम टर्म वन के आधार पर रिजल्ट बना देंगे। तो ऐसा पिछले साल भी हुआ था कि जो ऑप्शनल एग्जाम देना चाह रहे थे वो दें, नहीं देना चाह रहे थे वो ना दें, तो उसको एग्जाम कैंसिल करने से बेटर होगा कि ऑप्शनल कर दें कि जो बच्चे प्राइवेट इंप्रूवमेंट और कंपार्टमेंट वाले एग्जाम देना चाहते, जिनको लगता है कि नहीं भाई हम देंगे, हमारे भविष्य का सवाल है, वो बच्चे दे दें। जो रेगुलर बच्चे हैं जिनका एग्जाम बेकार चला गया था टर्म वन का, वो बच्चे चाह रहे हैं वो बच्चे दे दें, और जो बच्चे नहीं चाह रहे हैं टर्म वन का, जिनका पेपर ठीक ठाक हुआ था, उनको डर भी लग रहा है या कोई भी कंडीशन है, तो उनका टर्म वन के आधार पर रिजल्ट बना दिया जाए। और सबसे बेटर ऑप्शन यही होगा कि एग्जाम कैंसिल या पोस्टपोन करने से बेटर है कि एक ऑप्शनल एग्जाम करवा लिया जाए। तो बहरहाल ये एक बात हो गई कि आपको ऑप्शनल एग्जाम की मांग रखनी चाहिए कि अगर एग्जाम कैंसिल होता है तो कैंसिल ना करके एग्जाम को ऑप्शनल बना दिया जाए कि जो देना चाहता है दे, नहीं देना चाहता उसका रिजल्ट सीबीएसई बना देगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपका एग्जाम कैंसिल होने जा रहा है, बच्चों कैंसिल होने की संभावना बिल्कुल 0% है और पूरी तैयारी स्कूलों में हो गई है, तो आप लोग डरो मत। तो बच्चों और कोई अपडेट होगी तो हम आपको देंगे, आप परेशान मत होइए, आपका रिजल्ट या एग्जाम कैंसिल होने नहीं जा रहा है, एग्जाम देने का मौका मिलेगा, पढ़ाई कीजिए, मन लगा करके पढ़ाई कीजिए। यहाँ थोड़ी आवाज़ हो रही है, मैं वीडियो को ख़त्म करता हूँ, बंद करता हूँ, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। ऑनलाइन सपोर्ट ग्रुप का लिंक हमने दिया हुआ है, 31 तक हम छूट दे रहे हैं 40% फ्लैट का, ज्वाइन कर लीजिएगा हमारे ऑनलाइन सपोर्ट ग्रुप को। ऑल द बेस्ट बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।